कल जो सोनिया गांधी जी ने लाहौल जेल की बात कही है, दो बातें इम्पोर्टेंट, एक तो जातिगत जनगणना की, नंबर दो पार्लियामेंट के अंदर जो कहा गया है महिला आरक्षण का सपना राजीव गांधी जी का था, उन्होंने 73-74 अमेंडमेंट शुरुआत करी, उसके कारण आज सरपंच लगा के प्रधान प्रमुख सब महिला बन सकती है, नगर पार्षद मेयर से बनते हैं। उसके बाद में सोनिया जी ने भी ट्राई करी, 25 साल लगभग हो गए, वन एक 33% आरक्षण मिला था महिलाओं को असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर, एक बार बिल पास भी हुआ एक हाउस के अंदर, फिर रुक गया। अब मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान गवर्नमेंट ने फैसला किया है उसको तो सबने वेलकम किया है, सपना राजीव गांधी जी का था, लंबा संघर्ष किया, अल्टीमेटली इनको मानना पड़ा, ये चाहते तो 9 साल पहले कर सकते थे क्योंकि इनके पास पूरी मेजोरिटी थी, अगर आप मेजोरिटी आप पर है तो काम आसान हो जाता है, तब भी इन्होंने उसको नहीं किया है। अब चुनाव भी आ रहे हैं, समझ गया कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन मुद्दा बना रहा है जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना भी इम्पोर्टेंट है और उसका एक फ़ायदा और मिलेगा। सोनिया जी ने भी कहा है यूपीए गवर्नमेंट जो जनगणना करवाई थी सोशियो इकोनॉमिक, उसको भी आप सहायता करें नौकरी के लिए, वो होने के बाद में जब ये आरक्षण लागू होने की बात है इसमें फिर SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण हो गया, तब जाके महिलाओं का सपना पूरा होगा। इस बात को लेके कई बार पार्लियामेंट अड़चन हुई है, झगड़े हुए हैं और फिर ये माहौल खराब होता है। भारत सरकार को चाहिए खुद ही आगे आकर के जो सोनिया गांधी की भावना थी और कई विपक्षी पार्टी की भावना थी कि आप SC ST OBC को आरक्षण करो, महिलाओं के 33% में आरक्षण, उनका भी आरक्षण करो, तब जाके ये सभी जातियों को सभी वर्गों को उसमें आने का मौका मिलेगा, मुख्य मांग हमारी है। बाकी खड़गे साहब भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, इतिहास से काम हो रहा है, गोविंद सिंह दत्तात्रेय जी के अध्यक्ष रहते हुए कुछ भवन बने अपने खुद का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इससे बड़ा इनके लिए भी क्या सौभाग्य होगा, 100 साल का इतिहास लंबा होता उससे भी, गोविंद सिंह दत्तात्रेय जी के अध्यक्ष रहते हुए भवन बना है, शांति धारेवाले रहते हुए जमीन उपलब्ध हुई है, ये तो देखो इतिहास की बातें हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की भी और हर्ष का भी एक माहौल है प्रदेश के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर भी, नेताओं के अंदर भी, पदाधिकारियों के अंदर भी, सभी लोगों के अंदर, कि हर परिवार कांग्रेस का जो है सब तो आ नहीं पाते हैं, लाखों लोग होते हैं, पर एक प्रकार से गांव-गांव में उत्सव मनाए जा रहे हैं कि हमारा खुद का अपना भवन नया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन बनने जा रहा है और सौभाग्य से उसके अंदर मल्लिकन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खुद आ रहे हैं, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं पूरे अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, उनके हाथों से ये कर कमलों से ये भवन का शिलान्यास हो रहा है, ये प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। उसी माहौल में काम हो रहा है, देखो अभी इतने लोग खड़े हैं पर उत्साह के भरे हुए हैं, ये इतिहास बनना जा रहा है प्रदेश कांग्रेस। सर 25 तारीख को मोदी जी टेम्परेचर आए होंगे, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उनको एक कैंप करना नहीं जी रहा परमानेंट, बार बार उनको मैं देखा गुजरात में ऐसे ही किया हमारे अप एंड डाउन जो क्या उसकी अगर उन्होंने टारगेट बनाया राजस्थान को, उनके टारगेट राजस्थान ही है, किसी कीमत पर राजस्थान कैसे जीते हैं, सरकार तोड़ नहीं पाए, वो उनके दिल में ये जलन है, आग लगी हुई है, हम वहाँ कामयाब क्यों नहीं हुए, हम मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, कर्नाटक में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, राजस्थान में क्यों नहीं हुए, ये जो उनके दिल में दर्द है वो मैं तो मिटा नहीं सकता, वो चाहते हैं किसी के ये इनके प्रकरण साधनों की कमी नहीं उनके पास में, शाम राम दंड भेद इनकम टैक्स ED जो रवाना कर दिया भेज दिया, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, किसी कीमत पर राजस्थान में हम लोग कामयाब हों, मैंने बता दिया कारण क्या है, टारगेट हमारे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, मैं खुद भी हूँ और साथ में राजस्थान सरकार भी है,
जितनी तेजी गवर्नेंस दी है, हमें गर्व है कि इन तमाम हरकतों के बावजूद भी कोविड आ गया, ठीक है, मैं खुद दो तीन बार कोविड ग्रस्त हो गया, शानदार प्रबंधन हमने किया प्रदेश वाले सहयोग से, धर्म गुरु थे, एक्टिविस्ट थे, एनजीओ थे, आम पब्लिक थी, पॉलिटिक पार्टी खड़े के अंदर सब ने मिल करके लॉकडाउन के अंदर जो काम किया वो इतिहास बन गया। दुनिया के मुल्कों में चर्चा राजस्थान की होती है, भीलवाड़ा मॉडल की होती है, डब्ल्यू एच ओ कह रहा है शानदार काम हुआ, वो प्रदेश हमारा प्रदेश है, इतने बड़े गर्व है कि प्रदेश की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है, इतने बड़े कानून शानदार पास कर दिए, नए नए फैसले किए, जो फैसले और कहीं नहीं है वो फैसले राजस्थान के अंदर है, तमाम माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, राजस्थान का अपना एक अलग स्थान बन गया। मैं कहीं जाता हूँ अन्य राज्यों में, अभी मैं आंध्र प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, वहाँ के लोग कमेंट करने लग गए राजस्थान के बारे में, अच्छे कमेंट करने लग गए, वहाँ तक खबर फैल गई सरकार आ सकती है, आ रही है, ये मैं समझता हूँ वाले सब संकेत है, जनता तो माई बाप है, देखो जितना कि फैसला वो करेगी, पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी गवर्नेंस देने के बाद में जनता समझ गई कि जब बदलती सरकार तो रिफाइनरी बंद हो जाती है, क्यों होगी बंद, अनेकों फैसले हो गए जो बंद हो गए थे उस वक्त, मैं अभी उनमें नहीं जाना चाहता, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पर मैं कहना चाहूँगा जनता समझ गई अगर इस बार एक बार रिपीट और कर दे सरकार को, पता नहीं जो हमने वादे किए हैं गारंटी दे रहे हैं हम लोग, और विश्वास जनता इसलिए कर रही है जो हमने कहा वो किया है, बजट पेश किया खाली पेश नहीं किया, पेश करना एक बात है, इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है, इम्प्लीमेंट होने का जो इम्पैक्ट जनता में, हर गाँव के अंदर जाओगे कई इनके परिवारों के अंदर लाभ मिलेगा, गांव में लाभ मिलेगा, हर परिवार तक लाभ पहुंचाया हमने, हर परिवार तक, हर गांव तक लाभ पहुंचा दिया, ऐसी गवर्नेंस इतिहास में कहीं हुई नहीं है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तमाम प्रदेशवासियों सहयोग नहीं होता, हमारे साथियों सहयोग नहीं होता, ये संभव नहीं था, सगा भी नहीं बचती हमारी, प्रदेश के लोग एकजुट रहे, तमाम MLA साहब आते हमारे, उनके पास टेलीफोन आते थे आप 6 महीने रहो होटल के अंदर, परवाह मत करो सगा बढ़नी चाहिए, तो ये जो जनता का जो आशीर्वाद था, प्यार था, मोहब्बत थी, विश्वास था, और वो खड़ी रही हमारी सरकार के साथ में, हाईकमांड तो रही थी सोनिया जी से लगा के सब लोगों, तो राहुल जी ने सबने तो टीमें भेज रखी थी, यहाँ पर टीमें हमारे साथ रही थी हाईकमांड की, चाहे वेणुगोपाल जी हो, चाहे वो रणजीत सुरजेवाला जी हो, चाहे अजय माकन जी हो, और कौन थे कई लोग थे, वो तो नहीं रहे, पर साथ में जो प्रदेशवासियों का जो इत्मीनान रहा, मजबूती से खड़े रहे, वो माहौल बन गया, तो टेंशन को का मामला था, राजभवन पर दबाव पड़ा, आप बताइए हम मांग कर रहे विश्वास मत लेने की, इतिहास में पहली बार हुआ और राजभवन अलाउ नहीं कर रहा है, आखिर अलाउ करना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटनाएं हुई है उसको जनता वाच कर रही है, वाच करते करते हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो यहाँ तक पहुँचाया है समझ गया अगर सरकार रिपीट करेंगे तो इस बार नया इतिहास बनेगी, सरकार बनाएगी, 50 जिले बन गए राजस्थान में, प्रशासन दृष्टिकोण से इतना अत्यधिक फैसला है, पूरे देश में दुनिया में चर्चा होगी भाई 50 जिले एक साथ बन गए, 33 से 50 बन गए, कम में कोई कमी नहीं रखी हमने।